वेलकम टू सिविल सोनली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कतर देश में गत 20 नवंबर 2022 से फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। वहीं दुनिया भर से करीब 12 लाख से भी ज़्यादा फुटबॉल प्रेमियों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस आयोजन के बीच एक दहशत भरी खबर भी सामने आ रही है, जहाँ की कतर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कई कारणों से चर्चा में बनी हुई है। वहीं अब और एक इंसिडेंट इससे जुड़ गया है, जो है कैमल फ्लू का मामला। कई देशों ने कतर से लौट रहे लोगों के लिए कैमल फ्लू एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट देखकर लौट रहे लोगों में ऊँटों में होने वाली बीमारी कैमल फ्लू के लक्षण देखे जा रहे हैं। क्या वाकई में ये संक्रमण चिंताजनक या इससे कोई खास दिक्कत नहीं है? इसके अलावा एक्सपर्ट इसकी तुलना कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से भी कर रहे हैं। कैमल फ्लू या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मर्स के नाम से भी जानते हैं MERS, ये जानलेवा बीमारी ऊँटों के संपर्क में आने से फैलता है। ब्रिटेन में इस बीमारी को कोरोना से भी ज़्यादा घातक वायरस माना जा रहा है, जिसके लिए अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर इसके संक्रमण दर और इससे होने वाली मृत्यु की बात की जाए, तो मर्स की पहचान पहली बार 2012 में सऊदी अरब में की गई थी। WHO को रिपोर्ट किए गए मर्स के लगभग 35% मामलों में मृत्यु भी दर्ज की गई है। कोविड-19 की तरह ही यह भी एक तरह का श्वसन रोग है, जो कि मानव से मानव संचरण से भी फैलता है। 2012 में मर्स की पहचान के बाद से 27 सदस्य देशों ने WHO को मर्स के मामलों की सूचना दी है, जिसमें बहरीन, चीन, ईरान, इटली, जॉर्डन, कुवैत, फिलीपींस और कतर जैसे देश शामिल हैं। बात करें मृत्यु दर की, तो जहाँ वर्तमान कोविड-19 की मृत्यु दर 2.13% है, वहीं इसके विपरीत मर्स में 34.4% की मृत्यु दर दर्ज की गई है। इस बीमारी के लक्षणों में बात की जाए, इसमें सांस लेने में परेशानी, सूखी खांसी, गले में खराश जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। बताया जाता है कि मरीजों में दस्त और पेट की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा निमोनिया होने की भी संभावना होती है। बात करें भारत की, तो फिलहाल भारत में ऐसे किसी संक्रमण की खबर तो नहीं है, लेकिन हम सबको याद है कि कोरोना संक्रमण के वक्त लोगों ने कितनी असावधानी बरती थी, जिसके कारण कोरोना तेजी से फैला था और लाखों लोगों की जानें भी गई थी। इसलिए इग्नोरेंट होने से बेहतर होगा कि सरकार और लोग सावधानी बरते, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ वायरल डिजीज। सो स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।